ठीक है, हैंड मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, बात करते समय हैंड मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। और साथ साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि जितने लोग हैं सबको आप लोग को क्या करना है, कंसिडर भी करना है। और फाइनली मैं एक दो पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको बॉडी अपने बॉडी मेंटेनेंस में ध्यान रखनी है। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके ब्रीदिंग कंट्रोल आपके अंदर होनी चाहिए। लिखिएगा नेक्स्ट, ब्रीदिंग कंट्रोल, बात करते समय और कोई भी कार्य करते समय ब्रीदिंग कंट्रोल आपकी रहे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव ना होने दे, नो नेगेटिविटी। आप में से वो लोग जो अचानक नेगेटिव की तरफ पटरी मुड़ जाती है, जैसे बात करते करते सडनली घुस गए थे सबको जाना है, ठीक है। कई लोग कहते हैं सब कुछ है, आप गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, सब कुछ एक दिन छोड़ के जाने ही आता है, नेगेटिव घुस जाते। आप में से जो लोग नेगेटिव है ना, मैं कहता हूँ नेगेटिविटी ना करें, सच्चाई है लेकिन सच्चाई को बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज आपको परफेक्ट करने के लिए और क्या क्या करने हैं, इसको भी आप विषय रिसर्च जरूर करें। आपकी तरफ से कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे में आप बॉडी लैंग्वेज को और शामिल करना चाहते हैं, बताइए। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो शायद आपने सोचा होगा जो बॉडी लैंग्वेज के लिए बड़ी जरूरी होती है। किसी एक टॉपिक ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और ओपन माइंड सेट, ये लिख लीजिएगा, ओपन माइंड सेट होना चाहिए। जिनका ओपन माइंड सेट है बॉडी लैंग्वेज में दिखता है वो चीज, ठीक है। बड़े महानगर के बच्चों और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है।